मुझे नौकरी मिल गई है यहीं बनारस में। मयंक जी आज हम बहुत खुश हैं। हम आपको अपने हाथों से मिठाई खिलाएंगे। लाइए चाची। लीजिए। अब नहीं चारू, मैं खुद खा लूँ। आपको हमारे हाथों से खाना पड़ेगा। लीजिए ना। चारू मैं खा लूँ। आप भी हमें अपने हाथों से खिलाइए, प्लीज। ये लो, तुम भी कचौरियां खाओ। नहीं नहीं ठीक है। क्या हुआ, तुम दाल कचौरी क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? क्योंकि मम्मी कल हमारी रेस है, इसलिए हम कुछ हल्का ही खाएंगे। सोने से पहले दूध और फल, बाकी कुछ नहीं। कमाल है, एक कचौरी खा लेती तो क्या हो जाता? ये लड़की भी ना। कंग्रेचुलेशंस भैया, हमें ट्रीट चाहिए ना? श्योर। फाइनली हमारी भैया की नौकरी लग गई, कितनी खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल। दीदी ये कचौरी और दही बड़े गुंजन के लिए। हम दे देते। हाँ हाँ लो थोड़ा खा लो। मौसी जी क्या देख रही हैं? यही कि हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, कितनी समझदार और सुलझी हुई। इस मयंक वाले किस्से को तुमने अकेले कितने सूझबूझ के साथ संभाला है बेटा। भगवान करे हर जन्म में हमें तुम्हारी जैसी बेटी मिले। और हमें पक्का मालूम है तुमने मयंक को अपने से दूर रहने को कहा होगा, है ना? भगवान जी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते मौसी जी। उन्हें लगता है कि ये लड़की तो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे देते कि ये तो संभाल लेगी। लेकिन उसे संभालना आसान नहीं है मौसी जी। हम जानते हैं बेटा, पर तुम उदास मत हो। सोना तब करी कुंदन बनता है बेटा। तुम भी देख लेना, तुम इन सारी कठिनाइयों से ऊपर उठकर एक दिन बहुत ही सुंदर और विजयी निकलोगी। हमें पता है हमारी बेटी कभी नहीं हार सकती।
और हाँ गुज्जर, देख लेना, हमारा दिल कहता है बेटा कि हमारी बेटी को भगवान एक ऐसा लड़का देगा जो तुम्हें इतना प्यार करेगा कि तुम सब भूल जाओगे। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। भगवान तुम्हारी झोली को हमेशा खुशियों से भरी रखे। मुझे नौकरी मिल गई है कुंजन। तुम्हारी ये फोटो मैं जानता हूं कि ये मुझे अपने पास नहीं रखनी चाहिए, बट आई प्रॉमिस कुंजन, आई प्रॉमिस कि जिस दिन मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगा कि इस फोटो को और तुम्हें मैं अपने से जुदा कर दूं, आई प्रॉमिस दैट डे आई विल। लेकिन अभी एक झटके में मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं कर सकता गुंजन, नहीं कर सकता, आई जस्ट कांट। रचना, ये क्या है बेटा? अब बस भी करो, चलो नीचे, बंद करो ये सब। नहीं मम्मी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। कल हमारी रेस है और हमें कैसे भी करके जीतना ही है। इन एक्सरसाइज से स्टैमिना बढ़ता है और पागलपन भी। सची ना, दीवानियों की तरह सुबह से बिना खाए लगी पड़ी हो। अब चलो नीचे चलकर खा लो। नहीं मम्मी, हमारा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या है बेटा? प्रतियोगिता को प्रतियोगिता ही रहने दो। अब गुंजन को देखो, कितने आराम से बैठी। क्योंकि हम और वो दो अलग लड़कियां हैं और हमें कैसे भी करके कॉम्पिटिशन जीतना ही है। ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हें कुंजन से टक्कर लेनी है? नहीं मम्मी, हमारा कॉम्पिटिशन अपने आप से है। हम ये सब कुछ अपने आप के लिए कर रहे हैं। हम जिंदगी भर बेचारी बनकर नहीं जीना चाहते। हमें अपने आप को परखना है। मम्मी, हाँ आप अब जाइए ना, हमें एक्सरसाइज करने दीजिए। ठीक है, जल्दी नीचे आ जाना। जी मैम। नानन जी, आपको कुछ खाना नहीं है लेकिन पी तो सकती है ना? लीजिए, केसर बादाम का दूध पी लीजिए, हम आपके लिए लाए हैं। नहीं नहीं चारू भाभी, अभी नहीं। ठीक है, बाद में पी लेना, लेकिन पीना जरूर। ओके जी। दोनों बहनों के बीच में कंपटीशन, वाह, सोने पे सुहागा। जो दरार दोनों बहनों के बीच में आई है उसे अब और चौड़ा करने का टाइम आ गया। कुंचन को कुछ भी जीतने नहीं देना है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कंपटीशन के लिए इतनी तैयारी और क्या चाची, जो जीतेगा वो फ्रेशर ऑफ द ईयर कहलाएगा। आपने देखा रचना कितनी तैयारी कर रही है। हाँ, सो तो है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कुछ खा क्यों नहीं रही है। ताकि वो लाइट फील कर सके। आपको तो पता है
हमारी रचना स्पोर्ट्स में कितनी अच्छी है और हमें तो पूरा यकीन है कि रचना ही जीतेगी, लेकिन वो है ना टेढ़ी खीर, वो गुंजन वो क्रिकेट जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। गुंजन से दूर ही रहना चाहिए रचना को। अरे रचना, बेटा कुछ चाहिए था? वो पानी चाहिए था हमें। हे भगवान, रचना यही थी और हम लोग, कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? वो क्या हुआ चाची, अच्छा ही होगा अगर सुन ली होगी तो। बुढ़ी अलर्ट हो जाएगी अपनी ओवर स्मार्ट बहन से। अच्छा हम अभी आते हैं। गुंजन जल्दी करो, हमें भी नहाना है। हाँ रचना, बस दो मिनट। क्या हुआ? बाथरूम फ्री नहीं है। कोई बात नहीं, तब तक ही डीवीडी देख लो। डीवीडी? एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम की डीवीडी है, शायद तुम्हारे कुछ काम आए। लेकिन भाभी हमें भी नहाना है, बाद में देख ले। मैडम के लिए वेट करने से तो अच्छा कि तुम डीवीडी देख लो, तुम्हारे काम ही आएगा। जाओ मयंक जी के लैपटॉप पे देख ले जाके। ठीक है। रचना कहाँ चली गई? रचना, 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 चाहिए? रचना डीवीडी देख ली? जी। रचना तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी से तैयार हो जाओ फिर नाश्ता करके निकलते हैं। ठीक है। और थोड़ा लो बेटा। बस मौस। ये तो रचना की आवाज है। हाँ। हे भगवान, रचना। शायद तुम बाथरूम जाओ। रचना, रचना, क्या हुआ बेटा? शैम्पू गिरा हुआ था और हमारा पैर फिसल गया। शैम्पू गिरा हुआ था? लेकिन रचना अभी तक तो तुम नहाई नहीं। तुमसे पहले तो गुंजन नहाने गई थी।
That means what nonsense? मैंने शैम्पू नहीं गिराया। तो फिर गलती से गिर गया होगा। Are you mad? मैं शैम्पू क्यों गिराऊंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी चारू? आजा बेटा, उठने की कोशिश कर। मेरा सहारा लेके उठ जाओ। फ्रैक्चर हो सकता है, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलिए बेटा, एक्सरे तो करवाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पापा, हमने कहा ना, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस वो पैर थोड़ा मुड़ गया था और कुछ भी नहीं। बाम लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा अपने आप। देखो रचना, आलस मत करो, चलो डॉक्टर के पास। मम्मी चलिए जी, हमने कहा ना हम ठीक हैं। अच्छा फिर ठीक है, कम से कम घर में रहकर आराम करो तुम आज। नहीं मम्मी, हमारा आज कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, हमारा आज कंपटीशन का पहला दिन है। बेटा, सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता है। हाँ रचना, मौसी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हेल्थ कम्स फर्स्ट। और तुम ढंग से चल भी नहीं पा रही हो, रेस में कैसे भाग लोगी? हमने कहा था ना हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। आप सब जाइए, हमें तैयार होने दीजिए। बेटा तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, अंदरूनी चोट हो सकती है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ओहो मम्मी, अब हम आपको डांस करके दिखाएं क्या? हमने कहा ना हमें कुछ नहीं हुआ है। आप ही समझ। कोई बात नहीं शायद, वो अपना भला बुरा खुद समझती, जाने दो। अगर उसे ठीक लग रहा है तो ठीक है। आशा, थैंक गॉड रचना, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। हमारी तो सांस ही रुक गई थी, सोचो ना अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आज की रेस मिस हो जाती। रियली गुंजन, तुम्हें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था ना। हम ये नहीं कह रहे कि तुमने जानबूझ के शैम्पू गिराया था, लेकिन देखा ना तुमने, छोटी सी लापरवाही से क्या कुछ हो सकता। प्लीज ध्यान रखा करो थोड़ा। रहने दीजिए चारू भाभी, हमने कहा ना हम ठीक है, और जो हो गया सो हो गया, आप रहने दीजिए, आप जाइए। हाँ हाँ, हमें भी बहुत सारा काम है। वो मयंक जी हमारा वेट कर रहे होंगे ना, उनको मेडिसिन्स देनी है, तो हम भी चलते हैं। बाय। अब रचना, आई होप तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने जानबूझकर शैम्पू गिराया तुम्हें गिराने के लिए। आई मीन, चारू ने तो पूरी कोशिश की यही जताने की, लेकिन रचना मैं ऐसा क्यों करूंगी? और बिलीव मी, मैंने शैम्पू की बोतल बहुत अच्छे से बंद किया था, एकदम टाइट। अब गलती से गिर गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं अपनी प्यारी सी बहन को चोट क्यों पहुंचाना चाहूंगी, है ना? आई होप तुम भी ऐसे ही सोच रहे हो।
सबने सुना।